थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हेयर सैलून में आए हैं तो आप बताइए कि मतलब विनर होने के बाद अपने आप को नहीं नहीं मेरा एक्चुअली कुछ एक ट्रीटमेंट कराना था बाल का, बिकॉज आई हैव अ शूट डे आफ्टर एंड आई हैड टू जस्ट गेट समथिंग सॉर्टेड, सो मैं बस वही करा के आया था अभी। एंड थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग मुझे खतरों के बारे में पूछते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ट्रॉफी जीता और मेरे से ज़्यादा खुश आयान है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी। खतरों के खिलाड़ी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ ऑफ इंडिया, बड़ी एक प्रेस्टीज है, यू नो इतने सारे 60 से 80 के बीच में स्टंट्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, 2 महीने फैमिली से दूर रहते हैं, फिर इस बार तो जब आए थे तो 14 दिन क्वारंटीन भी थे, सो एक बहुत सब ने मेहनत की और मैंने इस शो पर दूसरी चीज़ें भी की स्टंट्स के अलावा, जैसे अर्जुन द वाइल्ड हुआ, कई सारी रियलिटीज़ हुई, बहुत मज़ा आया मुझे शूट करके, एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी जर्नी अच्छी रही थ्रू आउट द शो। मैंने बीच में कई बार सोचा कि शायद मैं ना कर पाऊँ या मुझसे गिव अप हो जाएगा, बट रोहित सर ने काफ़ी यू नो प्रोत्साहित किया, ही ऑलवेज इज़ टू पुश ऑल ऑफ अस कि नहीं नहीं हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे, एंड थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। आई थिंक मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हमारी जो ज़िंदगी में है, धूप हो बारिश हो जैसे भी हो, आप दुनिया तक हमें पहुंचाते हैं, सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग। मैंने देखा डिफरेंट स्टंट किया और बहुत ही अच्छे से किया, इसलिए डेफिनेटली आप विनर हैं। बॉडी में और फ्लेक्सिबल आ जाता है और भी यार पता है जब आप स्टंट कर रहे होते हो ना, तब उस टाइम सब दर्द सब कुछ भूलना पड़ता है, बिकॉज अगर आप उस जोन में सोचोगे तो वो कर ही नहीं पाओगे, तो कई बार बॉडी अलाव नहीं कर रही होती है, बट वही है मैंने यही चीज़ सीखी खतरों के खिलाड़ी पे कि कई बार हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप अपने माइंड को उस दिशा में डाल देते हो तो आप कर जाते हो। ऐसी होती है फिनाले स्टंट में भी, जब मैं दोबारा मैनिक्विन लेके चढ़ा था तो आई वो शॉर्ट नहीं था अंदर का, बट आई वॉज आस्किंग फॉर वाटर क्योंकि आई वॉज लूजिंग माई ब्रेथ, बट बाई टाइम हेलीकॉप्टर टर्न एंड आई वॉज लाइक ये आखिरी मौका है मेरा, आई मीन वो जो एक हेलीकॉप्टर से कूद के जो फिनिश लाइन तक, दिस इज़ इट, इसके बाद शो ख़त्म है, सो आई वॉज लाइक चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पार करूँगा, एंड बिलीव मी मेरा पूरा गला सूख चुका था उस टाइम, एंड बट इट हैपेंड, सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि कई बार ऑन अ नॉर्मल डे में शायद नहीं करता वो, या यू नो ब्रेक ले लेता, बट वो एक वो शो ही ऐसा है कि आपको ब्रेक नहीं मिलता, वहाँ कट नहीं है, वहाँ आपको एक साथ ही वो चीज़ करनी है और कंप्लीट करनी है और कम से कम टाइम में करनी है, तो जहाँ आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वहाँ वो आप चीज़ अचीव कर लेते हैं। पूरा कंपटीशन जब आपके और दिव्यांका त्रिपाठी जी के बीच में आ गया था, उस समय क्या फीलिंग थी आपकी? मैं सच बताऊँ मैं दिव्यांका या विशाल के बारे में उस वक्त सोच ही नहीं रहा था, एक फिनाले में आप पहुँच चुके हो ढेर सारे स्टंट्स करके, यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट यू वॉन्ट टू गिव द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टंट, टाइमिंग आपके हाथ में है ही नहीं, ना मेरे हाथ में ना किसी के हाथ में, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम्प्लीट द स्टंट, बहुत लंबा था तो पहली बार हमने इतना लंबा स्टंट किया, इतना लंबा स्टंट कभी किया ही नहीं था, डायरेक्ट फिनाले में मिला, सो उसका एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट इट हैपेंड एंड मुश्किल था बट हुआ, ट्रेजिडी भी हुई, मेरा वो जो बोट का वो एक रोप टूट गया था, वो जो मैं चिल्लाया था एक्चुअली मेरे जो फायर एक्सटिंग्विशर से मैंने बुझाया था वो पाइप जलता हुआ मेरे हाथ में लग गया, तो सबको लगा मैं चिल्लाया क्यों, एक्चुअली वो जलता हुआ पाइप लग गया था, एंड फिर ऊपर गया तो वो मैनिक्विन हेलीकॉप्टर के उससे मुंह पे भी लगा, ऑल सेड एंड डन इट वाज समथिंग दैट विल आई विल ऑलवेज रिमेंबर ये एक्सपीरियंस खतरों के खिलाड़ी का, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई वन द ट्रॉफी। अभी तो मैं एक वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ, मैंने पहले ही उसको साइन कर लिया था एक्चुअली, सो आई एम जस्ट कम्प्लीटिंग माई कमिटमेंट, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, सो यू वेट एंड वॉच एंड थैंक यू एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, मेरा आगे भी जब भी कुछ आएगा तो प्लीज़ टू वॉच इट, थैंक्स। थैंक यू सो मच।
नहीं नहीं कर रहा है यार, बिग बॉस नहीं कर रहा हूँ। सुनने में हर साल आता है लेकिन नहीं कर रहा हूँ सर, शायद करता बट मेरी कुछ प्री कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं वो उन्हें पूरा कर रहा हूँ, और हो सकता है अगले साल या हो सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ जाए। नेवर नो। भाई का एंट्री। थैंक यू।